चकली नाम का गांव है, वहां पर वैद्यनाथ हैं। आजकल इस ज्योतिर्लिंग के बारे में भी विवाद हो रहा है, क्योंकि बिहार में एक वैद्यनाथ धाम है, वहां पर भीड़ लग रही है, लोगों ने उसी को घोषित कर रखा है कि यहीं पर वैद्यनाथ धाम है। और स्तोत्र कहता है परल्याम, कहीं कहीं पाठ वेद मिलता है, वहां लिखा हुआ होता है पर वैद्यनाथम चिताभूमौ, चिताभूमि में वैद्यनाथ हैं। तो परली नाम का जो महाराष्ट्र में गांव है, वहां पर चिता में ही, चिताभूमि में ही भगवान का मंदिर है, तो वहां पर भगवान वैद्यनाथ का लोग दर्शन करते हैं। कहते हैं कि रावण जो है भगवान शिव का परम भक्त था, वो तपस्या कर रहा था लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हो रहे थे, और उसने अपनी तपस्या बढ़ा दी, पंचाग्नि तापने लगा पांच तरफ। जब सूरज भगवान गर्मी में ऊपर आ जाते थे तब चारों तरफ आग जला के बीच में बैठ जाता था, चारों तरफ की आग और एक ऊपर की आग, ऐसे पांच आग, पंचाग्नि तापता हुआ वो भगवान शिव का शिवाय नमः जप कर रहा था, लेकिन फिर भी भगवान उसके ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। तो उसने सोचा कि और बढ़ाऊंगा, तो ठंडी में ठंडे पानी में खड़ा रह करके रात भर तपस्या करता था, गर्मी में बाहर पंचाग्नि तापता था, और बरसात में चबूतरे पर नंगे बदन बैठ जाता था, शिव जी की तपस्या करता था। बड़ी उग्र तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। आशुतोष हैं लेकिन रावण के ऊपर जल्दी प्रसन्न नहीं हो रहे थे। तब रावण ने कहा नहीं, मुझे तो भगवान शिव को प्रसन्न करना ही है, तो अपने सिर काट काट करके भगवान को चढ़ाने लगा। एक सिर काटा चढ़ा दिया शिवाय नमः, दूसरा सिर काटा चढ़ा दिया शिवाय नमः, तीसरा सिर चढ़ा दिया शिवाय नमः, नौ सिर काट करके चढ़ा दिया, एक सिर से जी रहा था, तब भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब उसने तलवार उठाई कि ऐसे जीवन को रखने से कोई फायदा ही नहीं है जिसमें अपने इष्ट देवता अपने ऊपर प्रसन्न ना हो, इसलिए यह दसवां सिर भी मेरा चढ़ जाए और मैं समाप्त। तलवार उठा के जैसे ही अपना दसवां सिर काटने चला, ऐसे ही भगवान साक्षात उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। कहा भक्त, हमको नहीं पता था कि तुम इतने बड़े भक्त हो, बोलो क्या चाहते हो। कहा महाराज, अगर आप प्रसन्न हो गए हैं तो हमको मनोवांछित फल और अतुल्य बल दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, जो चाहो हो जाए और बल भी तुम्हारा खूब होगा। तो बल हो गया, लेकिन वो बल भगवान के ऊपर ही प्रयोग करने चला। कहने लगा भगवान ऐसा है कि अब कई दिनों से आपकी पूजा करते करते हमारी आदत हो गई, सवेरे उठते ही अब आपकी पूजा करने का हमारा मन होगा, और लेकिन अब तपस्या हमारी पूरी हो चुकी, तो अब हम तो जाएंगे, अब तो बहुत काम है हमारे जिम्मे, अब हम बलशाली हो गए, तो पूजा कैसे करेंगे आपकी। तो ऐसा है कि अब हम काम में जाएंगे, हमारी पूजा के लिए आप हमारे साथ ही चलिए, जहाँ हम रहें वहीं सवेरे बैठ के पूजा प्राप्त कर लिया करिए। भगवान ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कहते हैं कि उसी समय भगवान ने अपना शिवलिंग प्रकट किया, कहा ये हमारा प्रतीक है, तुम इसी को ले जाओ, इसी की पूजा कर लेना, इसकी पूजा से हमको पूजा प्राप्त हो जाएगी। तो कहा अच्छा ठीक है, यही दे दीजिए। लेके चला, भगवान शिव ने सोचा कि दस सिर का होकर के हमारे पास आया था, अब एक सिर का होकर के जा रहा है, लोग कहेंगे शंकर की भक्ति से इसको क्या मिला, दस सिर का था एक सिर का होके आ गया। दुबे जी गए थे चौबे बनने छब्बे बनने, और चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दुबे होके आ गए, क्या फायदा होगा। तो भगवान शिव ने कहा इधर आओ भक्त, आया तो उसके नौ सिर जो चढ़े हुए थे उनको उठा उठा करके लगा दिया और मृत्युंजय मंत्र पढ़ दिया, संजीवनी बूटी पिला दी, सारे सिर फिर से जुड़ गए, अब फिर से दशानन हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ। कहा महाराज आपसे बढ़िया वैद्य कोई नहीं हो सकता, बताइए कटे हुए सिर आपने जोड़ दिए, आज से हम आपको वैद्यनाथ कहेंगे। कहा कि ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, भक्तों ने हमारे अनेक नाम रखे हैं,
हजारों नाम हमारे हो गए। और अब तो सलधा नाम का छत्तीसगढ़ में एक स्थान है, वहां के लोग अपने अपने नाम से हमारा नामकरण कर रहे हैं, 1.25 लाख नाम और हमारे बढ़ने वाले हैं। तो हमारे नाम तो हमारे भक्त रख देते हैं और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तुम वैद्यनाथ कह रहे हो, हम वैद्यनाथ सही, ले जाओ हमारा शिवलिंग, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन देखो एक शर्त है, क्योंकि उसका गर्भ भी तोड़ना था, उसके मन में था कि हम भगवान को ले जाएंगे, तो भगवान को ले जाने की सामर्थ्य तुम्हारी अभी नहीं हुई है, ये बताना भी जरूरी था। भगवान ने कहा एक शर्त है, और शर्त ये है कि तुम कहीं पर ये शिवलिंग रखोगे नहीं, जहां तुमको स्थापना करना हो लंका में वहीं करना, बीच में कहीं रखना नहीं, अगर रखोगे तो वहीं रह जाएगा, फिर तो आगे नहीं जाएगा। रावण ने कहा जी ये कौन सी बात है, हम वहीं ले जाएंगे, कोई हमको ये सब भार और नहीं लगता, हमारे अंदर बहुत बल है। कहा ठीक है, अभी पता चल जाएगा कितना किस चीज का भार तुम सह सकते हो। तो चला लेकर के उस शिवलिंग को, लेकिन वो जो जगह है परली, वहां जाते जाते उसको मूत्र का वेग आया। लघुशंका जाने के लिए बहुत तीव्र इच्छा हो गई, अब विवेक को संभालना चाहे लेकिन संभले ही ना। अब सोचने लगा कि मैं तो अपने आप को बड़ा बलवान समझता था, मेरे से मूत्र का वेग नहीं संभाला जा रहा। हमारे यहां एक भंडारी जी थे, वो कहते हैं कि संसार में सारे बोझा ढोए जा सकते हैं, लेकिन ये मलमूत्र का बोझा नहीं ढोया जा सकता, ये असह्य है, ये कोई नहीं ढो सकता। तो रावण को भी अपनी औकात का पता चल गया, भगवान ने ऐसी मशीन बनाई कि इस मशीन में थोड़ा सा 100-150-200 ग्राम पानी का वेग संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। नहीं संभाल पाया तो उसको सोचा क्या करें क्या करें, तो वहीं एक यादव गाय चरा रहा था, कहा यादव जी आगे आइए। कहाँ बोलो, कहा ये शिवलिंग थोड़ी देर के लिए पकड़ लेंगे। बोले क्यों नहीं, कहा बस हम अभी गए और पैर धोकर आए। गया, मूत्र के वेग को शांत कर रहा था, इतने देर में इतने भगवान भारी हो गए कि यादव से पकड़ा नहीं गया और उसने भूमि पर रख दिया, तो भगवान वहीं के वहीं रह गए। फिर रावण आया और रावण आकर के उस शिवलिंग को हिलाता रहा, फिर भगवान टस से मस नहीं गए, तो वहां पर भगवान विराजमान हो गए। वही शिवलिंग वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, रावण का रखा हुआ ये नाम है। कहते हैं कि रावण को लेकिन संकेत में बताई गई बात समझ में नहीं आई, भगवान ने संकेत में उसको बता दिया कि तुम्हारी ताकत कुछ नहीं है, तुम मूत्र का वेग तक संभाल नहीं सकते हो, एक शिवलिंग अगर जमीन में गड़ जाए तो उसको उखाड़ नहीं सकते हो, क्या तुम्हारा बल है। लेकिन फिर भी उसके मन में अभी अहंकार बना हुआ था, वो लंका चला गया। मन में पछतावा हो रहा था कि शिवलिंग नहीं आ पाया, लेकिन वो अभी जो भगवान कहना चाहते हैं वो नहीं समझ पाया था। तो नारद जी ने सोचा कि इसको साफ साफ बता देना चाहिए कि इसका कितना बल है। तो नारद जी पहुंच गए, कहा रावण, रावण ने कहा हाँ नारद जी कैसे आना हुआ बताइए। कहा कि वो शिवलिंग कहाँ है, सुना है कैलाश से लेके आए हो, हमने सोचा हम दर्शन कर लें। तो थोड़ा सा सिर झुक गया उसका, क्योंकि ला तो पाया नहीं था। बोला महाराज जी वो रस्ते में ही स्थापित कर दिया है। कहा अच्छा, क्यों स्थापित कर दिया, सही सही बताओ, झूठ मत बोलना। अब क्या कहे कैसे कहे, तो फिर रावण ने सच बात बता दी कि असल में बात ये थी, शर्त के अनुसार भूमि पे उसको रखना नहीं था और हमारे से रखा गया, जिसके कारण भगवान का शिवलिंग यहाँ नहीं आ सका। कहा ये सब शिवजी की चालाकी है, शिवजी बहुत चतुर हैं, वो तुम्हारे यहाँ आना नहीं चाहते थे। तो रावण थोड़ा सतर्क हुआ, कहा क्या कहते हैं ये बात है। कहा यही बात है, अन्यथा उनको आपके यहाँ आने की क्या जरूरत थी, आपके भुजाओं में तो बल है। कहा अरे बल की कोई कमी नहीं है हमारे पास,
तो नारद जी ने कहा कि फिर बल दिखाओ। कहा क्या दिखाएं महाराज, उनको तो कहा था वो तो आए नहीं। कहा वो नहीं आए तो क्या हो गया, कभी कभी ऐसा होता है। आपने कथा में नहीं सुना है कि हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लेने, पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि पहले से कोई पहचान करवाए तब होता है, ऐसे थोड़ा है कि वैदिक शास्त्र जान लो। उन्होंने जो पहचान बताई थी कि उसमें दीपक प्रज्वलित होंगे, वो तो हनुमान जी के जाते ही डर के कारण सब बुझ गए। तो ऐसी परिस्थिति में हनुमान ने क्या किया था, कहा बस बस नारद जी, आप जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, आप सच्ची सलाह समय पर दे देते हैं, आपको नमस्कार है, मैं फिर मिलता हूँ। कहा बता तो दो कहाँ जा रहे हो। कहा बाद में आपको अपने आप पता चल जाएगा। और क्या पता चला नारद जी को, पता ये चला कि रावण उठ करके गया और जैसे हनुमान जी पूरा पहाड़ द्रोणागिरी लेके आ गए थे, वैसे ही कैलाश पर्वत को उखाड़ने लगा कि अभी उखाड़ करके ले जाता, लेकिन कैलाश को उखाड़ नहीं पाया। जब कैलाश को नहीं उखाड़ पाया तब उसको पता चला कि मेरी जो शक्ति है वो सीमित है, असीमित शक्तियों का स्वामी मैं नहीं हूं। रे रे रावण दुर्भक्त माँ गर्भम वह दुर्मते शीघ्र च तब हस्ता नाम दर्पक नश्च भवेदिह। उसी समय भगवान शिव ने कह दिया था, रे रे रावण दुर्भक्त, तू मेरा भक्त तो है लेकिन दुष्ट भक्त है, मेरे ऊपर शासन करना चाहता है। जो भक्त होता है वो सेवक होता है कि शासक होता है, वो सेवक होता है, भगवान के अनुसार चलता है कि भगवान उसके अनुसार चलेंगे। हाँ, तो आप लोग भी एक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि अपने घर में भगवान को बैठाए हैं और जब आपको मन होता है तब आप पूजा करते हैं कि जब हम चाहेंगे तब तुमको भोग लगाएंगे। आपके इच्छा से भगवान खाएंगे कि भगवान की इच्छा से आप बना के खिलाओगे। तो इसलिए इसका ध्यान रखो कि पूजा के समय में पूजा हो जानी चाहिए, भोजन के समय में भगवान को भोग लग जाना चाहिए, उसके लिए सब काम छोड़ दो, है ना, ये नियम है।